Hello friends, how are you? My name is Ankit Yadav and today we will talk about calculation of steel. I mean how to calculate weight of bars. जैसे कि आप जानते हैं कई तरह की bars होती है construction के लिए 8 mm हो गया 12 mm 16 mm etc. तो सबसे first method है हमारे पास 8 mm को हम किस तरह से calculate करेंगे जितना mm का डाया है उसको 8 mm मान लीजिए 8 mm को स्क्वायर पहले करेंगे हम और अब उसको 162 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो केजी में होगी और हमारे पास सेकंड मेथड भी है जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा मेथड है वेट ऑफ 8 mm डाया इज इक्वल टू जो कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेंसिटी जो लेंथ है हम वो मान के चलते हैं 1 meter और जो क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला है वो है पाई डी स्क्वायर बाय 4 डी आई मीन डी का हम डिनोट करते हैं डायमीटर हो गया तो डेंसिटी यहां पे दी हुई है 7850 केजी पर मीटर क्यूब जो कि सभी बार्स के लिए सेम है तो अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं लेंथ हो गया 1 पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेंसिटी हमारा 7850 केजी पर मीटर क्यूब और अब हम इनकी वैल्यू भरते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं बस उसी हिसाब से हमको सॉल्व पाई का फार्मूला 22/7 और डायमीटर हो गया जिसको मीट्रिक में कन्वर्ट करें 0.008 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई करके सब सॉल्व करें सॉल्व करने पर 0.395 केजी आ जाएगा जो कि फर्स्ट मेथड में भी यही था तो आप देख सकते हैं कितना टिपिकल मेथड है ये